हेलो गाइस, क्या आप कतर जाके करना चाहते हो वर्क? अगर हाँ तो ये वीडियो आप ही लोग के लिए गाइस, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, कैसे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, कैसे आप वहाँ जा सकते हो वर्क करने के लिए। सो यही सब क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा इस वीडियो में। एंड गाइस, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ, मैं हूँ विशाल सिंह और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल अल्फा वर्सेस। सो गाइस, आप जैसे कि जानते हो मुझे कि मैं आप सभी कैंडिडेट्स के लिए रोज़ न्यू न्यू इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ, न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ, कंट्रीज़ के रिगार्डिंग लेकर आता हूँ कि क्या अदर कंट्रीज़ में चल रहा है। सो गाइस, अगर आपको वो सब इन्फॉर्मेशन अच्छी लगा करें, लाइक ज़रूर किया करो एंड कमेंट बॉक्स में रिव्यूज़ ज़रूर बताया करो। ओके गाइस, सो गाइस स्टार्ट करते हैं हमारी अपॉर्चुनिटी को। सो गाइस, आज की जो हमारी अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि आज हम उन क्वेश्चंस का आंसर करेंगे, जैसे कि आपका कि हम कैसे कतर में जाके वर्क कर सकते हैं, हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं कतर के वर्क परमिट के लिए। सो ये सब जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका आंसर दूंगा मैं आज इस वीडियो में। ओके गाइस, सो गाइस आज की अपॉर्चुनिटी कतर की है, जो कि आपकी बाइक डिलीवरी बॉय की है, जिसमें आपकी सैलरी 1500 कतरी रियाल प्लस टिप है। ऑलराउंडर अगर आपकी मंथली जोड़ा जाए तो आपकी आराम से 2500 कतरी रियाल सैलरी बन जाएगी टिप विप मिला के। सो आपका ये 2500 कतरी रियाल बन जाएगी। एंड इस अपॉर्चुनिटी में गाइस आपका फूड, मेडिकल एंड मेडिकल इंश्योरेंस, फूड, एकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल फ्री है। सो गाइस आपके सारे पैसे बचेंगे, आपको कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करना है, ओनली आपको अपना जो भी आपको पहले सर्विस चार्ज देना होगा। गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मैं एक और चीज़ बता दूँ गाइस, जहाँ पर फ्री वीज़ा होता है, सो मैं अपने थंबनेल में फ्री वीज़ा ज़रूर डालता हूँ गाइस, और जहाँ पर नहीं होता है वहाँ पर नहीं डालता। तो खुद भी समझ जाया करो गाइस कि अगर फ्री नहीं लिखा है सो गाइस ये पेड वीज़ा है। ओके, पेड रिक्वायरमेंट है। सो मैं एक और बात बता दूँ, ये भी जो हमारी अपॉर्चुनिटी जो मैं बता रहा हूँ गाइस, वो पेड रिक्वायरमेंट है, अपने माइंड में सेट आउट कर लो ये चीज़। ओके एंड गाइस, आपकी जो फूड, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल इंश्योरेंस फ्री है। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल, जहाँ पर आपका फूड एंड एकोमोडेशन फ्री हो जाता है, वहाँ पर आपके पैसों की बचत ईजिली हो जाती है, सेविंग्स ईजिली हो जाती है। क्यों गाइस? क्योंकि हम कहीं भी अगर जाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो हमारा खर्चा होता है वो आपका फूड में और एकोमोडेशन में होता है, एंड प्लस आपका मेडिकल ट्रीटमेंट में। ओके गाइस, सो यहाँ पर मेडिकल ट्रीटमेंट भी आपको कंपनी देगी। सो गाइस आप क्यों वेट कर रहे हो, सीधे जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वहां जाके हमें कांटेक्ट करो और जल्द से जल्द अप्लाई करो, क्योंकि गाइस यहां पर आपके सारे पैसे जो हैं वो बच रहे हैं। आप क्यों वेट कर रहे हो गाइस? अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी हो, जो इन्फॉर्मेशन बताई हूँ मैंने अभी तक के, आप डायरेक्टली जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमें कॉल कर सकते हो, वहां पर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, जीमेल आईडी दी हुई है। जो भी ये कैटेगरी में आता हो या ये कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहता हो, वो जीमेल आईडी पे अपने डॉक्यूमेंट सेंड करें और हमें कांटेक्ट करें, जिससे कि आपका जल्द से जल्द हम अप्लाई कर सकें। क्योंकि गाइस बहुत ही कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं। ओके गाइस, तो सबसे जल्दी जाओ और अवेल करो ये अपॉर्चुनिटी अपने लिए। ओके सो गाइस, जो ये अपॉर्चुनिटी है उसमें आपका एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ज़रूर जान लेना जाते जाते, कि आपका इंडियन लाइसेंस जो है वो मस्ट है। ओके, इंडियन लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास नहीं होगा सो देन आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। आई एम सॉरी, आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। ओके सो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन हमारी अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग, बट फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि आप तलक की इन्फॉर्मेशन अच्छे तलक के पहुँच जाए एंड आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सो गाइज, आज की जो हमारी अपॉर्चुनिटी है वो कतर की है, एज अ बाइक ड्राइवर, बाइक डिलीवरी बॉय, पोस्ट जो है आपकी बाइक डिलीवरी बॉय की, जिसमें आपकी सैलरी 1200 कतरी रियाल प्लस टिप है, जो आपकी ऑलराउंडर अगर आप अच्छे से वर्क करते हो नॉर्मली भी, तो आपकी 2500 कतरी रियाल सैलरी आराम से बन जाएगी, जो कि आपका 2500 कतरी रियाल होता है। एंड आपका फूड, एकोमोडेशन, मेडिकल इंश्योरेंस एंड आपका ट्रांसपोर्टेशन, ये सब फ्री है, जितने अलाउंस है सब फ्री है। आपके पास इंडियन लाइसेंस होना चाहिए। एंड गाइस, आपकी जो एज है वो 40 ईयर्स से डाउन होना चाहिए। ओके, अबव नहीं हो, लेस हो तो ही आप अप्लाई कर सकते हो गाइस। ओके,
40 इयर्स के अबव कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते, जो 40 इयर्स के नीचे हों लेस हों वो इजीली अप्लाई कर सकते हैं। एंड गाइस ये अपने माइंड में रख लो, ये दो क्राइटेरिया हैं जो आपका 40 इयर्स लेस ईयर होनी चाहिए, आपकी एज होना चाहिए एंड आपका इंडियन लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। ओके गाइस, एंड डॉक्यूमेंटेशन की बात बता दूँ, डॉक्यूमेंट्स में आपका सिंपली आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगी, पासपोर्ट स्कैन कॉपी लगेगी गाइस, एंड आपका अगर आपका कोई एक्सपीरियंस हो इस फील्ड में तो आप वो भी लगा सकते हो, एंड आपका एक्सपीरियंस लेटर जैसे होता है, वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास हो एक्सपीरियंस तो आप लगा सकते हो, एंड आपका इंडियन लाइसेंस की स्कैन कॉपी भेजनी पड़ेगी। सो ये सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको भेजना है। एंड गाइस एक और चीज़, आपको बेसिक इंग्लिश बोलना आनी चाहिए, ये भी मस्ट है, इसलिए मैं कह रहा था गाइस मैं धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा तो वैसे वैसे मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता जाऊँगा। एंड अगर आप लास्ट अलग के नहीं देखोगे, इसीलिए मैं कह रहा था कि लास्ट अलग के देखना, क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो ध्यान रखना बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं, बट जैसे याद आ जाते हैं वैसे वैसे बताते चलता हूँ मैं। ओके, सो आपका इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश भी मस्ट है। ओके गाइस, जैसे मैंने डॉक्यूमेंटेशन में आपको बता दिया, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, पासपोर्ट स्कैन कॉपी, एंड आपका अगर एक्सपीरियंस लेटर हो वो आप लगा सकते हो, अगर आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट हो वो भी लगा सकते हो, एंड आपका इंडियन लाइसेंस चाहिए ही चाहिए गाइस, ये अपने माइंड में सेट आउट कर लो। ओके, सो आज की अपॉर्चुनिटी यहीं ख़त्म होती है दोस्तों। अगर आज की अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करना गाइस, शेयर ज़रूर करना, क्योंकि गाइस शेयर करोगे तभी तो दूसरों तक की हेल्प पहुंचा पाओगे गाइस। अगर बैठे रह जाओगे खुद, ये तो वही वाली बात हो गई कि आपने देख लिया, आपने अप्लाई कर दिया एंड आप किसी को हेल्प नहीं करोगे। सो गाइस ये दुनिया जो भी आज चल रही है वो एक दूसरे की मदद से चल रही है। ओके गाइस, तो आप भी एक छोटी सी उम्मीद जगाओ कि दूसरों की हेल्प करने की, और कुछ नहीं करना है गाइस, सिर्फ शेयर करना है ये वीडियो को, ताकि उनके तलक भी अवेयरनेस पहुंच जाए कि ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है जो कि वो उनके लिए बहुत ही अच्छी साबित हो सकती है। सो अपने दोस्तों में शेयर करो, उनकी भी हेल्प आउट करो, जैसे मैं आपकी हेल्प करता हूँ, जैसे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ पे वीडियो बनाता हूँ, पोस्ट करता हूँ यूट्यूब चैनल पर अपने। सो आप भी हेल्प करो दूसरों की, एंड गाइस लाइक ज़रूर किया करो, उससे हमें पता चलता है कि हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो हमारी तरफ कितने अट्रैक्टिव है, कितना हमें पसंद करते हैं, कितना हमारी अपॉर्चुनिटी को पसंद करते हैं। एंड कमेंट बॉक्स में रिव्यूज़ गाइस ज़रूर बताया करो प्लीज़, क्योंकि अगर आप नहीं बताते हो तो गाइस हमारे पास न्यू वीडियो जो हम लेकर आएंगे तो उसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, क्योंकि आप जैसे टॉपिक बताते हो कि गाइस सर इस टॉपिक पे बना दो, उस टॉपिक पे बना दो, तो इससे हमें वो मिलता है कि आप भी हमारे तरफ अट्रैक्टिव हो, आप भी हमारे लिए लॉयल हो। सो आपके लिए वर्क करना और हमें अच्छा लगता है जैसे जैसे आप टॉपिक देखते हो, हमें तो आप जब हमें टॉपिक देते हो तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि हमें ये बहुत अंदर से मतलब फील आउट होता है कि हाँ यार हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो हमारी तरफ बहुत ही लॉयल हैं, अट्रैक्टिव हैं, जो हमारे सपोर्ट करते हैं। ओके, सो हम भी इनिशिएटिव होते हैं आप सभी लोग के लिए। ओके, सो गाइस आज की अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी हो, जाते जाते फिर कह रहा हूँ लाइक ज़रूर करते जाना, सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाना, बेल आइकन क्लिक करना है, नॉल बटन दबाना, ताकि आप तक सबसे पहले पहुँचे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की नोटिफिकेशन। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो तक के वेट करना है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी तक के वेट करना, फिर मिलेंगे एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ, तब तक के बाय एंड टेक।